की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज्यादा जो इस टाइम ट्रेंड में चल रहे हैं ना, ये बाइट्स, जो पोटैटो बाइट्स भी होता है, लेकिन मैं इसको बना रही हूँ चावल के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इन बाइट्स को बनाना कैसे है। राइस वाली बाइट्स बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ चावल, ये 1.5 कप नॉर्मल चावल है जिसको नमक डाल के मैंने पकाया हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले हमें अपने चावलों को पीस लेना है। तो ये चावल देखिए मैंने पीस लिया है, अब इसको एक बर्तन में हमको निकाल लेना है। तो मैं उसी बर्तन में इसको निकाल रही हूँ। अब ऐड करिए बारीक कटा हुआ प्याज, मिर्च, बारीक कटी हुई हरी शिमला मिर्च, आप चाहें तो इसको ना ऐड करें, हरा धनिया, 2 चम्मच बेसन, ये नॉर्मल बेसन है, मैंने इसको रोस्ट नहीं किया है, 1.5 चम्मच कॉर्नफ्लावर, आप कॉर्नफ्लावर की जगह मैदा भी ले सकते हैं, 1/2 चम्मच है ये कश्मीरी लाल मिर्च, और ये 1/2 चम्मच है चाट मसाला पाउडर, थोड़ा सा लेमन जूस। और अब आपको अपने हाथों में ले लेना है तेल और इसको मिक्स करना है ताकि ये जो राइस है आपके हाथों में चिपके नहीं, क्योंकि ये राइस बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं। तो आप देखिए इनको मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया, मैं अपने हाथों को जितना हो सके उसको साफ कर रही हूँ इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया अच्छे से मिक्स। ये मैंने एक पन्नी, जो हमारे पास खाने का सामान आता है नॉर्मल, वो पन्नी है, इसमें मैं डाली हूँ ऑयल, और रब कर दीजिए इसको पूरी पन्नी में अच्छे से, और उस चावल के डो को इस पन्नी में रख दीजिए ताकि ये हमें मिक्स बनाने में, ये देखिए पन्नी में आती साथ ही अपने आप बाइंड होने लगता है, जबकि बर्तन में तो ये चिपकता है, और इसमें ये बिल्कुल चिपकेगा नहीं, क्योंकि इसमें मैंने ऑयल लगाया है। इस तरीके से आप इसको एक साथ कर दीजिए अपने हाथों के मदद से। अब रख दीजिए कढ़ाई को गैस पर और ऐड कर दीजिए रिफाइंड। अब क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा पतला करना है, इस तरीके से इसको पतला करिए, जितना भी आपको पतला चाहिए, देखिए ये पतला हो रहा है, ये देखिए, और इसके कोने को एक साथ करते जाइए, देखिए इतना मोटा मैंने इसको रेडी कर लिया है। अब आपको जिसकी मदद से भी कट करना हो, चाहे चाकू हो या कटर हो, उसमें तेल लगा लीजिए और इनको कट करते जाइए। अब ये मैंने काट लिए हैं और अपने हाथों की मदद से इसको एक सा जरूर करते हैं इस तरीके से, और फिर हम इन सभी को करेंगे डीप फ्राई। देखिए मैंने इन सभी को अपने हाथों की मदद से बहुत अच्छा एकदम प्रॉपर शेप दे दिया है, और तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म बिल्कुल ना करें। अब इन सभी को ऐड कर दीजिए इसमें, ये बाइट्स देखिए बिल्कुल रेडी हो गए हैं, ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये। ये मैं आपको एक दिखाती हूँ, ये अंदर से एकदम ब्रेड क्रम्स, कॉर्नफ्लावर के लेप की हमें जरूरत भी नहीं पड़ी, और ये देखिए बहुत अच्छे बने हैं, ये एकदम सॉफ्ट हैं। तो ये रेसिपी आपको पसंद आई हो, इस तरीके के स्नैक्स खाना बहुत ज्यादा पसंद हो और राइस खाना भी पसंद हो, देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ना, तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको एंजॉय करिए सिंपल से एक केचप के साथ। कुछ और की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हमने इसमें इतनी ज्यादा चीजें इस्तेमाल की है ना, ये वैसे ही बहुत टेस्टी है। तो भाई बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय, और लाइक जरूर।